नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, मेरे कुछ सब्सक्राइबर तो बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर उसके बारे में जो पाइनएप्पल का परफ्यूम है उसके बारे में बता दें। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है पूरी की पूरी डेडिकेटेड वीडियो है उसी के ऊपर होने वाली है। तो जो पाइनएप्पल का परफ्यूम दोस्तों होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम होता है दोस्तों। मैं बता दूँ, फ्रूटी नोट होता है उसका, जो पाइनएप्पल या अनानास का होता है तो सेम नोट होता है। उसमें कौन कौन से दोस्तों जो इंग्रेडिएंट है वो यूज़ कर सकते हैं हम उसे बनाने के लिए। दोस्तों, फार्मूलेशन मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब भी मैं फार्मूलेशन बताता हूँ बहुत से कहते हैं बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि बहुत से लोग जो आपको सही केमिकल नहीं देते हैं। दूसरा बात क्या होता है कि अलग अलग दोस्तों परफ्यूमर अलग अलग केमिकल से बनाते हैं, ठीक। तो मैं आपको दोस्तों उन केमिकलों के बारे में बताऊंगा कि जो जिनकी सहायता से आप जो पाइनएप्पल का परफ्यूम है दोस्तों इजिली आप बना सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हो, करते हैं शुरू। तो दोस्तों, आप जो है केमिकल का जो नाम है मैं आपको दोस्तों सबटाइटल में भी लगा दूंगा, तो आप पेन पेपर लेके अब नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो केमिकल जो आता है वह आता है मिथाइल ब्यूटोनेट। स्क्रीन पे भी दोस्तों शो कर रहा होगा। तो ये पूरी तरह से दोस्तों लिक्विड होता है, ठीक। और इसके जो जो नोट जो होता है दोस्तों फ्रूटी नोट होता है, और लगभग जो अनानास से यानी जो पाइनएप्पल है उससे मिलता जुलता होता है। अगला केमिकल दोस्तों आता है इथाइल एसीटेट करके आता है, ठीक। इसका भी इस्तेमाल करके दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, जो पाइन का जो परफ्यूम है आप बना सकते हैं। मैं दोस्तों इसके बेस बता रहा हूँ कि बेस में दोस्तों ये केमिकल होने ही होने चाहिए, ठीक। तीसरा जो केमिकल है दोस्तों वह है फिनाइल इथाइल एल्कोहल, यानी फिनाइल इथाइल एल्कोहल है दोस्तों। इसे ही आप इसमें क्या करेंगे, इससे दोस्तों स्वीटनेस आती है तो रोज बनाने में भी काम आता है, और जो पाइनएप्पल का परफ्यूम है दोस्तों वो ही बनाने में काम आता है। तो मैंने आपको बताया फिनाइल इथाइल एल्कोहल, जिसे कि हम पीए कहते हैं, वट एवर दोस्तों, मैं स्किन पे भी लगा दूंगा। अगला जो केमिकल है दोस्तों वह है इथाइल हेक्सोनोइट, ठीक। टाइटल सामने लगा दूंगा, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। ये भी लिक्विड होता है, ठीक। जो इसका नोट होता है फ्रूटी नोट होता है, थोड़ा सा दोस्तों साइट्रस टाइप भी होता है, ठीक। और मैं आपको बताता चलूँ, ये लिक्विड होता है, साइट्रस टाइप होता है दोस्तों। सारी की सारी जो है ये केमिकल है आपके एल्कोहल, डीपीजी, डीईपी और डीजीपी दोस्तों, तीनों चार जो सॉल्वेंट होते हैं, बेंजिल बेंजोएट दोस्तों, जितने भी सॉल्वेंट होते हैं सब में डाइल्यूट हो जाएंगे, ठीक। अगला जो केमिकल है वह है इथाइल ब्यूटोनेट, ठीक, वो मैं सब टाइटल लगा दूंगा। अगला जो केमिकल है वह है मिथाइल हेक्सोनेट, ठीक। और जो लास्ट जो केमिकल है दोस्तों यह है मिथाइल ब्यूटानेट। यानी जो मैंने आपको ये जो पांच छह केमिकल बताए हैं, ठीक है, ये फिनाइल इथाइल अल्कोहल को छोड़ के दोस्तों, ये जो सारे हैं ये जो हैं टोटल मिलके दोस्तों पाइनएप्पल का परफ्यूम का जो बेस है दोस्तों ये बनाते हैं। यानी जैसे कि हम मैंने आपको बताया कि जो केवड़े का बेस जो होता है वो PEME होता है, तो जो पाइनएप्पल का परफ्यूम जो होता है दोस्तों उसका जो बेस होता है ये चार जो केमिकल होते हैं, ये चार पांच जो केमिकल होते हैं फिनाइल इथाइल को छोड़ के, वो हमने स्वीटनेस के लिए डाला है यहाँ पे, ठीक है। उसको छोड़ के जितने मैंने दोस्तों यहाँ पे जो केमिकल बताए हैं, ठीक है, आप गूगल कर लीजिएगा आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सारे के सारे जो नोट हैं ये पाइनएप्पल के परफ्यूम के जो नोट होते हैं, ठीक। आप इन्हें क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत दोस्तों इसमें मॉडिफिकेशन करके, यानी जो क्वांटिटी के हिसाब से दोस्तों आप खुद टेस्ट करिए, खुद आप चेक करिए कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो केवड़े का बेस होता है, ठीक है, उसमें कौन सा केमिकल लगता है, ठीक है, उसी से केवड़ा बना करता है। और मतलब आपको मैं यहाँ पे केमिकल इसलिए बताएं, आपको प्रॉपर उन केमिकलों का यूज़ पता होना चाहिए, तो दोस्तों परफ्यूम आप खुद भी बना लोगे, परफ्यूम बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक आपको दोस्तों जो केमिकल है, ठीक है, कौन सा केमिकल किस परफ्यूम में काम आता है, ठीक है, उसका नोट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक, जब तक आपको वो पता नहीं चलेगा तो दोस्तों मैं आपको क्वांटिटी बता दूंगा तो भी आपको कुछ कुछ फायदा नहीं है, ठीक। आपको ये जो मैंने आपको प्रॉपर जो केमिकल बताए हैं, ठीक है, इनके बारे में रिसर्च करिए जो मैंने आपको बताए हैं, उसके बाद में, ठीक, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं परफ्यूम को दोस्तों थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेके आप किसी भी केमिकल शॉप पे जाइए, ठीक, वहां से आप जो ये केमिकल भी खरीदिए, उसके बाद में थोड़े थोड़े और जो अपने एक्सपेरिमेंट के जो केमिकल हैं, ठीक है, वो भी खरीदिए, आप उनसे दोस्तों परफ्यूम ट्राई कर सकते हैं। फिनाइल इथाइल एल्कोहल जरूर लीजिएगा, ठीक है, इनके साथ में डालिएगा, ब्रांड अच्छा आता है। बाकी जितने परफ्यूमर हैं
सब जो एक जो टिपिकल जो फ्रेगरेंस रहती है ठीक है, वो अलग अलग बनाते हैं, उनके फॉर्मुलेशन भी अलग अलग रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक जस्मिन एक फ्रेगरेंस होती है ठीक है, वो कम से कम उसके 20 तरह के फार्मूले होते हैं जो 20 तरह से जस्मिन दोस्तों बना करती है। तो मैं कभी दोस्तों जस्मिन के भी फार्मूले आपको धीरे धीरे बताऊंगा, मैंने 2-4 फार्मूले भी आपको बताए हुए हैं। तो ये मैंने आपको बेस बताया किसका, जो पाइन एप्पल का जो परफ्यूम होता है जो स्ट्रांग होता है काफ़ी ज़्यादा, तो उससे दोस्तों ये जो 5-6 केमिकल है इससे ही बना करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कर देना, और हाँ चैनल पे दोस्तों नए तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के अगरबत्ती से रिलेटेड या फिर धूप बत्ती या फिर सामरानी कप बिजनेस से जुड़े जितने भी दोस्तों क्वेरीज है, इन्फॉर्मेशन है या अपडेट है दोस्तों, मैं इस चैनल पे हमेशा आपको देता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।